School. Today we are going to continue with our session that is power set. और आज अपन power set में बहुत ही important चीज़ों के बारे में discuss करने वाले हैं और बहुत ही confusing सा थोड़ा सा question भी अपन solve करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि last video में we have already discussed about important results. Kindly go through those results so that you would be getting a glance regarding the same topic. So power sets का मतलब क्या होता है? अभी थोड़े से time पहले बहुत सारे session अपन discuss कर चुके हैं, subsets के बारे में देखा है. ठीक है, subsets में अपन ने discuss किया है कि अगर मान लो A subset of B and B subset of C, तो subset किसको बोलते हैं. ठीक है, I have already mentioned topics related to that is proper subset or improper subset किसको बोला जाता है. ठीक है, इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा एक ग्लैंस दिया था मैंने कल. ठीक है, तो इन प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में मैंने बता दिया कि प्रॉपर सबसेट्स के बारे में सिर्फ पूछा जाएगा तो माइनस वन कर लेना, क्योंकि इम्प्रॉपर हो जाता है जो रियल सेट के बराबर अगर आप किसी सेट को रख देते हो तो. आज पावर सेट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कितने सारे एलिमेंट यू गेट टू सी अंडर इट. दो वी हैव ऑलरेडी टेकन द सेम एग्जाम्पल इन द लास्ट लेक्चर, वी आर गोइंग टू अंडरटेक द सेम इन दिस लेक्चर एज वेल. और भी लेक्चर्स मतलब और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो लेक्चर के साथ ही. जैसे कि मैंने अगर वन एंड टू लिया है, ठीक है, किसी भी सेट ए सेट लिया है मैंने जिसमें टू एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे और विद द फॉलोइंग फॉर्मूला आई कैन गेट अ ग्लैंस कि कितने सबसेट होंगे यहाँ पे, दैट इज मेकिंग फोर सबसेट ऑफ द सेम. ठीक है, और वो फोर सबसेट क्या हो जाएगा कि एक तो नल हो जाएगा, ठीक है, और वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है, एंड वन एंड टू हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों जो सबसेट है वो तो आप एज इट इज आप लिख सकते हो. ठीक है, हर एक सबसेट लाइक फॉर्म करने से पहले एक नल सेट और एक रियल सेट जैसा तो आप फॉर्म अपने आप कर सकते हो. बाकी के सबसेट यू कैन जस्ट हैव अ ग्लैंस थ्रू दिस. ठीक है, कि नंबर ऑफ सबसेट्स है कितने, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने पड़ते हैं. अब इसको आप एक सेट का नाम देते हो जिसमें ये चारों के चारों सबसेट पार्ट होता है. ठीक है, लेट ए बी एनी सेट, वेदर इट बी अबाउट टू एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स, फोर एलिमेंट्स. ठीक है, वन टू थ्री है तो इसके एलिमेंट्स जो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे सबसेट्स कितने हो जाएंगे, इसके एट हो जाएंगे, तो पावर सेट जो बनेगा एट एलिमेंट्स का बनेगा. गेटिंग माई पॉइंट्स? तो यहाँ पे सबसेट का पूरा जो सेट आपको देखने के लिए मिलेगा उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, पावर सेट नाम दे देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक और चीज बता देती हूँ मैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने देखने के लिए मिलेंगे, किसके, पावर सेट के. ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि पावर सेट के जो अगर आपको सबसेट्स निकालने हैं तो हाउ वुड यू बी एबल टू फॉर्म इट. अगर आपको किसी भी सबसेट की बात की जा रही है, सबसेट ऑफ ए पूछा जा रहा है, देन यू जस्ट हैव टू गिव आंसर कि टू टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट. ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट जितना भी है वो पुट कर सकते हैं आप. लेकिन इफ यू हैव बीन आस्क्ड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट, तो पावर सेट में तो मैंने क्या बोला, यहां पे ये किसका पावर सेट में, मतलब फोर सबसेट्स यू गेट टू सी. ठीक है, फोर सबसेट यू गेट टू सी आउट ऑफ दिस ए सेट. ठीक है, तो ये जो पावर सेट बना है फोर सबसेट का, मतलब यहां पे फोर एलिमेंट्स है. ठीक है, तो ये फोर एलिमेंट्स अगर है तो फोर एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आएगा ना इस फॉर्मूला में. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, तो कितने आपको देखने के लिए मिलेंगे, 16 देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू जस्ट हैव टू फॉर्म. वी कैन जस्ट टेक अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है, सेम अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे क्वेश्चन हैज बीन गिवन, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है, विच इज गिवन ए बी एंड सी, ये आपको सेट दे रखा है. यहां पे बोला है कि सबसेट निकालना है किसका, पावर सेट का. तो अब पावर सेट पहले देखते हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे. ठीक है, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, फर्स्ट यू नीड टू फॉर्म दैट इज टू टू द पावर एन. एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट की आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा, टू टू द पावर
तो दैट इज मेकिंग एट एलिमेंट्स. ठीक है, एट एलिमेंट्स कहां पे होंगे? ऑफ पावर सेट. ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है कि इस पावर सेट का सबसेट कितना होता है. ठीक है, सबसेट तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट को पावर में रखते हैं. ठीक है, मैंने क्या बोला, पावर में आपको क्या रखना है? नंबर ऑफ एलिमेंट. तो पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 8 हो जाएगा. तो दैट इज मेकिंग हाउ मच? 258. सो दिस इज हाउ यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन की वॉट हैज बीन आस्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है, थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो informative. Thank you so much.